कई लोग ये पूछते हैं और कई लोग इसलिए तर्पण इत्यादि न भगवान की कथा की व्यवस्था अपने पितरों के लिए करते भी नहीं है। वो कहते हम लोग यहां कर रहे हैं, वहां कैसे पहुंच जाएगा यहां का किया हुआ, यहां का किया हुआ वहां कैसे पहुंच जाएगा। आप बताइए, समुद्र के अंदर का जल यहां आकर के बरसता है कि नहीं बरसता है? समुद्र में जल है पर सूर्य को वो शक्ति प्राप्त है परमात्मा के यहां से कि सूर्य नारायण उस जल को खींच लेते हैं समंदर में से और ले जा करके यत्र तत्र सर्वत्र उसकी वर्षा करते हैं। उनको वो ताकत, उनको वो अधिकार प्राप्त है, उनको वो शक्ति प्राप्त, उनको वो गुण क्वालिटी प्राप्त है समुद्र के जल। तो तुम्हारे पोखरों का गड्ढों का जल बरसता है क्या यहां पे? क्या पोखरों में गड्ढों में इतना जल रहता है, नदियों में इतना जल रहता है? इस समंदर से आता है जल, सूर्य नारायण अपनी किरणों से खींचते हैं, बादल बन करके इस जल की सब जगह वर्षा करते हैं जिससे सारी प्रकृति हरी भरी होती है और प्रकृति भरी होती है हम सबका पेट भी भरा होता है महाराज। ये उनको अधिकार है। ऐसे ही हम यहां पर बैठकर के जब अपने पितरों के निमित्त कुछ करते हैं तो पितर स्कंद पुराण कहता है, देखो ध्यान से सुनना, हमारे पितर जो हैं वो तो पितरलोक में रहते ही हैं पर जैसे पूरे पेड़ में शाखाएं भी हैं, पत्तियां भी हैं, फूल भी हैं, फल भी हैं पर जड़ भी है। जड़ पेड़ के प्रारंभ से रहती है और अंत तक रहती है, शाखाएं कभी कटती भी रहती हैं, पत्तियां कभी गिरती भी रहती हैं, फूल फल कभी गिरते भी रहते हैं पर जड़ प्रारंभ से लेकर अंत तक रहती है। जैसे वो पेड़ की जड़ शुरू से आखिरी तक पेड़ के साथ रहती है और वही जड़ सारे पेड़ की शाखाओं को, पत्तियों को, फूलों को, फलों को जमीन में से जल भी लेती है और भोजन भी लेती है और पूरे पेड़ को देती है। ऐसे ही स्कंद पुराण कहता है पितृ लोक में कुछ नित्य नित्य पितर रहते हैं महाराज। ये जो हमारे पितर हैं ये तो हैं ही पर इसके अलावा जैसे पेड़ की जड़ रहती है ऐसे पितृ लोक में नित्य पितर रहते हैं और सात तरह के पितर रहते हैं महाराज।